बाकी देखते हैं, भाई को मैंने अपने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। भाई फिलहाल रात के बज रहे हैं कितने, ऑलमोस्ट 11, और अभी अपन निकल रहे हैं, कोई आ रहा है तो उनसे मिलने जा रहे हैं। अब एक्चुअली कल भी मिलना था बट कल का प्लान कुछ ना पोस्टपोन्ड हुआ है, और मंडे जहां हम जाएंगे, ट्यूसडे को आपको शायद एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज। मतलब वो सरप्राइज अरे भाई आप ही निकल जाओ भैया, नहीं आप ही निकल जाओ पहले, बहुत तेज चला रहे हो ना आप, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, अच्छा फोन पे है। चलो कोई बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। सैटरडे के दिन ना गोल्फ कोर्स रोड ना पूरा ही भरा रहता है, ये देख रहे हो, ये जितनी गाड़ियां आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये पता है क्या है, यहाँ पे ना क्लॉक टावर करके एक ब्रूरी है, उसके लिए है इतनी गाड़ियां। और ये ना मेरा क्या कहते हैं उसको, जो क्लैम्प था ना जिसपे मोबाइल होल्डर, वो निकल गया और इसका गम छूट गया है। जिंदगी में ऑलरेडी इतने गम है, एक और गम वो भी विंडशील्ड पे, कल इसको सही करना पड़ेगा। ये पूछता हूँ उनसे, सौरभ भाई से, कि कैसे हटेगा, पेट्रोल से हटेगा या क्या, ये पूरा का पूरा ना स्टिकी हो गया है, इसको छुओ ना तो पूरा स्टेयरिंग पे लग रहा है। अभी सौरभ भाई आ गए, उनको पिक कर रहे हैं, उनकी गाड़ी तो पार्क करवा दी है, अभी यहाँ पे गाड़ी सेफली पार्क करके एक ही गाड़ी से घूमेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं। हाँ क्या बात कर रहे हैं। हाँ सच्ची। अच्छा आपको ऐसा लगा नहीं ना गुड़गांव आके? नहीं मुझे भी नहीं लगा ऐसा। हाँ। ये पीछे भाई ना सुरती बना रहा था इसमें, अभी सामने ना ये देखो, ये इको में जा रहे हैं भाई साहब। अभी तो एक सामने साइकिल से जा रहा था बंदा, भाई मैंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी साइकिल की इधर आया और गिर गया। फिर उठ के कह रहा सॉरी सॉरी, थोड़ा फिर रखा ना खाने का, भाई साहब क्या है यार, मैंने कहा पहुंच जाना भैया घर आराम से। और जिस हिसाब से वो साइकिल चला रहा था ना, मतलब पता नहीं पूछा, हमें डाउट है वो घर नहीं पहुंच पाएगा। भाई साहब इतना ज्यादा पी रहा भाई, उसे साइकिल उठा नहीं पा रहा था, मतलब लड़खड़ा रहा था, वैसा कंडीशन। रात की गेड़ी मारते मारते ना हम समोसा चाट खाने आ गए, चाय उस पे। हाँ मजेदार है ना, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव से रात तो लगी नहीं रही ना, ऐसा नहीं लग रहा मनाली का जैसे मॉल रोड। भाई मैं एक बार ना बाहर दिखा, भाई बहुत दिनों बाद ना वीकेंड पे मैं इधर आया सेंट्रल प्लाजा, और सीरियसली ऐसा लग रहा है ना जैसे मनाली का मॉल रोड है ना, एग्जैक्टली वही वाली वाइब्स आ रही है, ये देख रहे हो। मैं टाइम दिखाऊं कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। ये मेरा फेवरेट है, अब ना मैंने तो वैसे तो डिनर कर लिया था बट मैं यहाँ पे आया था तो मुझे रेस्ट नहीं हुआ, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ मैं, है ना चटकदार, बहुत मिर्च है ना। सुबह याद आएगा, हर दिन अगले दिन तो जरूर याद आता है, कल समोसा चाट खाया था। तो सौरभ भाई मंडे मिलेंगे ना, मंडे सरप्राइज, हाँ तगड़ा वाला होपफुली, कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड। चलो आपको जाने में भी यहाँ से नोएडा नहीं दिल्ली जाना है ना, दिल्ली जाना है, नोएडा क्या करूँगा। हाँ सही बात है, चलो मिलते हैं मंडे ना, ओके बाय बाय। ए रुक जा, मैं उसको भी एक बार दिखाने तो दे यार। तो ये देख, ये अरे क्या है, तो उसको खा क्यों रही है, स्कूबी टूट जाएगा इसका हाथ। आई हैप्पी बर्थडे स्कूबी, अरे मत करना मत कर, ये देख चल इसको उल्टा लटका दे, इधर आ स्कूबी, ये देख रहे हो बेड पे सारा अपना ट्रीट खा के ना छोड़ दिया है, इधर आ। बता दो सीरियसली उठने का मेरा मन ही नहीं कर रहा यार, संडे ऐसा लग रहा है ना जैसे आज बस रेस्ट करते रहो, और बाहर जो धूप है ना ये देखो, हाँ देख के तो थोड़ा भी जो इच्छा होता है ना कि हाँ ये करना है वो करना है, वो सारा चीज़ नहीं होगा। और शाम में ना स्कूबी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, अभी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए स्वाति, अपने जो डॉक्यूमेंट्स एक लेके आए थे वो वापस करना है क्योंकि उस पर साइन वाइन वाला सारा काम हो गया है। तो अभी उठते हैं, रेडी होते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अब देखो उठना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि दिन भर रेस्ट कर सकते हैं, और कल रात में भी काफ़ी लेट हम आए थे तो सोते सोते लेट ही हो गया था यार, एडिटिंग वेडिटिंग वाला हर दिन का काम ना निपटाते निपटाते टाइम लग ही जाता है। 3 दिन पहले ना अपन ये वाला येलो पेपर लेके आए थे, मतलब येलो एनवेलप लेके आए थे, और उसमें कुछ काम था अपने को जो कि ऑलरेडी हो गया है। अभी ना इसको ड्रॉप करना है, मतलब इसको वापस से देना है, क्योंकि मेरे सिग्नेचर्स और बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं, किसी और के जो सिग्नेचर्स चाहिए उनको भी सिग्नेचर्स करना है, अरे यार उनको भी सिग्नेचर्स करना है,
और साथ में ना जो जगह हमने फाइनल की थी अपने नए वेंचर के लिए, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है वो करवाना है, और उसके लिए मुझे दक्ष भाई की हेल्प चाहिए क्योंकि अज्जू भाई तो लद्दाख निकले हुए हैं। ये पूरा ना ऐसे स्टिकी हो गया है, अजीब सा। तो ये अगर अपने हाथ से करेंगे ना तो ये पूरे शीशे पे फैल जाएगा। ये एडेसिव है ना, इसको एडेसिव रिमूवर से निकलवाना पड़ेगा, और इसके लिए ना मेरे को ना नोएडा गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, कल लेके जाऊंगा, अदरवाइज ना ये पिघल पिघल के ना पूरा ग्लास खराब कर देगा। फिर विंडशील्ड पे अगर गंदा हुआ ना तो ड्राइविंग के दौरान दिक्कत होगा, और ड्राइविंग के दौरान ना ये वाला क्लैंप अपने को चाहिए। तो अभी फिलहाल अपन निकलते कहाँ, दक्ष भाई के पास। देख रहे हो क्या पोपट हुआ है, सीट बेल्ट फंस गया मेरा, ये टेढ़ा हो गया, मैंने कस के खींच दिया, ये टेढ़ा हो गया पूरा, अब इसके अंदर फंस गया है, ये ना अजीब सा ही हो गया भाई, अब ये लग ही नहीं रहा है, ये ना फंस गया, अब इसको निकालना भी एक झाम ही है यार, क्या ही बोला जाए भाई, लाइफ में ना टेंशन ख़त्म ही नहीं होता है। हाँ, टेढ़ा होकर सीट बेल्ट फंस गया, इसके अंदर घुस गया डबल करके। भाई हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अभिषेक भैया के पास इसको सही कराने। हाँ दक्ष भाई, सही, ये तो जाम ही हो गया ना, बैठे बैठे घर में कुछ कलेश ना हो ना, बस भाई कैडे पड़ गया कुछ भी ना, बड़ी बात सीरियसली। और ये पता है क्या, ये बकल इधर भी आके लगता है तो ठीक है, ये साला यहाँ फंस गया, अब ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा, और आगे पुलिस वुलिस खड़ी रहती है भाई, उनको क्या समझाएंगे कि हमारे साथ ऐसा कलेश हो गया है। अभिषेक भैया के पास चलते हैं सबसे पहले, इसको 2 मिनट लगेगा नीचे से नट खोल के टाइट करके इसको खींच देंगे, एक्सपीरियंस बंदों के पास। मैंने कहा भाई सीट बेल्ट पहले सही कराएं। हाँ मैं पता चला ना इसके चक्कर में ना जितने का सही नहीं होगा उतने का चलान कट जाएगा। ऐसे सीट बेल्ट ना वो उसमें ये क्या कहते हैं इसको, हैंड ब्रेक में फंसा, हाँ क्योंकि वो क्लिप तो लग नहीं रहता। मैंने कहा सामने से कोई पुलिस वुलिस वाला देखेगा भाई, हैंड ब्रेक में फंसा के चला के आया हूँ यहाँ पे। गाड़ी सर्विस हुई थी ना तो आई थिंक वो लाते वक्त टेढ़ा वेढ़ा हो गया होगा, फिर मैंने खींच दी, बस हो गया ये जाम। ये तो सीधा हो गया, ये सीधा नहीं हो रहा, ये सीधा नहीं हो रहा, काट के सिल दे क्या बेल्ट, नहीं, सिलाई मार दे, हो जाएगा। अपन आ गए, अभिषेक भैया अभी अपने साथ जा रहे हैं। हाँ उनको मैंने जो लास्ट टाइम जब हमने जगह खोजनी स्टार्ट की थी तो अभिषेक भैया ने हमें बहुत सारी जगह दिखाई थी, अभी हम जा रहे हैं तीनों वहीं पे, और बेल्ट भी अपना सही हो गया। ऐसा लगा अभिषेक भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है भैया। हाँ बहुत सही है ना, दोनों से अच्छा है। बहुत बढ़िया जगह भाई। तो अभिषेक भैया और दक्ष भाई ने भी बहुत तारीफें की कि हाँ ये वाला जो आप प्लान कर रहे हो मतलब एक नंबर प्लान है, और बाकी सभी लोगों का प्यार रहा, माता रानी की कृपा रही। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल भैया, माता रानी का आशीर्वाद रहे। तो अपन कुछ ऐसा कर रहे हैं ना कि आप बोलोगे कि हाँ भाई ये है तगड़ी चीज, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज है, नेक्स्ट लेवल चीज है। और बाप रे भाई, ट्रक वाला तो ब्रेक ही नहीं मारता। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, ये सामने रहा अभिषेक भैया का नंबर, ठीक है, ये 9871667251। आपको गाड़ी का अगर कुछ भी है तो अभिषेक भैया के पास आप आ सकते हो, गूगल पे डालोगे मुस्कान मोटर्स, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से सीधा भगलो घर। हाँ गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी की है क्योंकि अभी जाना है थोड़ी देर में। हाँ सारी गाड़ी इधर थी, मैंने कहा इधर मेरी तो पीछे जाके खड़ी हो सकती है, कोई टेंशन है नहीं, इधर भी खड़ी कर सकते थे लेकिन मैंने कहा पीछे खड़ी कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आए आए रानी, ठीक हो तुम? बहुत दिन से चली नहीं हो, चलाते तुमको भी आज। पहले तो तेल भरवाना पड़ेगा, इसमें तेल ही नहीं है। जिगर कैसे कर रही है? जल्दी आ, आ जल्दी टॉय लेके आइए। हाँ मैंने ही दिया था सुबह तेरे को, ला मेरा टॉय दे मेरे को वापस। भाई पागल है क्या, काट लेगी। बस खेलना है इसको भाई। हम हो चुके हैं रेडी। हाँ मस्त डिनर, नहीं सॉरी लंच करके, डिनर क्यों भाई, डिनर का टाइम अभी बाकी है, लंच करके हो चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से रेडी। शूज वूज चेंज कर लिए, जींस वींस चेंज कर लिया, और अब यहाँ से निकल रहे हैं स्कूबी के बर्थडे के लिए। स्कूबी तो ऑलरेडी चली गई स्वाति के साथ, मेरे को ना एक्चुअली केक ले जाना है। हाँ और केक हमारा आ चुका है यहाँ, तो अभी केक लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने गाड़ी भी बाहर लगाई थी ताकि गाड़ी निकालने वाला टेंशन नहीं रहे। मैं क्या भूल रहा हूँ, मैं अपना घड़ी भूल रहा हूँ जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था, अब मिल गया। तो एक हाथ में केक रख के ना आदमी व्लॉग भी नहीं कर सकता। हाँ तो क्या कह रहा था कि भाई दूसरी गाड़ी बाहर है और मौसम थोड़ा हैवी हो रहा है। मैंने कहा भाई बारिश वारिश आए वो ज़बरदस्ती गंदी हो, ये कल हम सर्विस कराएं, थोड़ा चला भी लेते हैं। हाँ
इसका फॉग लैम्प चेंज कराना यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। घर को देख के याद आ रहा है ना कि मैंने आपको काफी दिनों से ना बर्ड्स आई व्यू नहीं दिया है घर का। देख रहे हो कितना बन गया, कल दिखाऊंगा। अब आराम से देखो, मतलब यहाँ से अपने को लगेगा 18-20 मिनट लगेगा पहुंचने में, अपन 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और कल जाके अगर अपने को टाइम मिला ना तो कुछ गर्म कपड़े निकालने हैं, और पैकिंग वैकिंग ना मैं कल ही कर लूंगा। प्लस अगर कुछ गर्म कपड़े नहीं मिल रहे होंगे ना तो उसको जाके खरीद भी लूंगा। अदरवाइज ना जिस टेम्परेचर पे हम जाने वाले हैं ना, जितनी गर्मी यहाँ पे है ना उतनी चिलचिलाती हुई ठंड होगी। चिलचिलाती हुई तो धूप होती है, मतलब कड़कड़ाती हुई ठंड होगी। कड़कड़ाती हुई क्या होती है, ठंडी होती है भाई, मतलब एक्सट्रीम ठंड होगी। और उसके हिसाब से प्रिपरेशन ज़रूरी है, तो वो अपन कल कर लेंगे। और फिर एक दो दिन में अपना जो मतलब वो जो नया वेंचर है ना उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो 4-5 दिन तो मैं रहूँगा नहीं, मैसेज किसका है, 4-5 दिन तो मैं रहूँगा नहीं। तो यार मैसेज करके कॉल करके बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार लोग, देख रहे हो, टंग टंग आदमी का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। व्लॉग चल रहा है बे। भाई यहाँ पे कट गया अपना चलान, गलत यू टर्न लिया मैंने, अभी तो फुटेज में निकालता हूँ इससे। बाकी देखते हैं, भाई को मैंने अपने RC और ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं सच्ची बताऊं तो ये जितने भी पुलिस अभी ऑफिशियल्स हैं ये चाह रहे हैं कि मैं कैश दे दूं, और मैं इनको कह रहा हूं कि मैं, ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, हाँ बताओ ऐसे करना है वैसे करना है कैसे करना है ये वो, मतलब वो घुमा रहे हैं मेरे को। और मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप कैश में कर दो या ऑनलाइन कर दो, मैं पे कर दूंगा। मेरी गलती है यार, मैंने यू टर्न का सिंबल नहीं देखा था और मुझे आगे से लेना चाहिए था, तो मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं। हाँ ठीक है, जो भी आपका जुर्माना है जो भी चलाना है वो तो होना ही चाहिए, और वो मैं रेडी भी हूँ पे करने के लिए। अब भैया आते हैं फिर देखते क्या बात होते हैं। मेरा एक भी रुपए नहीं लगा, भैया आए वो पुलिस वाले भैया जो इन्होंने मुझे रोका था, और उन्होंने कहा कि आप जाइए, उन्होंने कहा कि आप जाइए। अब यहाँ से बस पहुँच ही गए यार, ये बगल में था यहाँ पे कैटसन म्याओ करके कुछ एक कैफे था। गाड़ी पार्क कर दी हमने और ये अपनी बलेनो खड़ी है। यहाँ से अंदर बहुत सारे डॉग्स की मुझे आवाज़ आ रही है। देखो बोला था ना मेरे साथ आओ, इतना बड़ा जो जीप निकाल के, अच्छा खासा AC में रहती तुम नहीं बेटा। हाँ हाँ थक गई, हाँ कर रही है। बॉल है तेरा है किसी और का है, किसी और का मार के आई है क्या? इधर आ इधर आ, देखो बोला था ना कि मत भाग मत जा, इधर आ स्कूबी। देख रहे हो कितना बड़ा जीप निकाल के रखी हुई है, अभी भी इसको जाना ही है। फाइनली केक वेक यहाँ पे आ गया, और ये सारे लोग केक आते के साथ ही ऐसे सब खेल ले रहे। अभी केक आया ना तो सारे ही आ गए। हाँ मिलेगा, सब केक के लिए है ना, हाँ सबको केक खाना है। भाई ये देख रहे हो, ये सारे के सारे सबको केक चाहिए, सबको केक चाहिए ना। हाँ सब केक की तरफ देख रहे हैं, और किसी को कुछ कोई मतलब नहीं है, बस केक कटेगा फिर कब मिलेगा। चलो भाई बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। स्कूबी तो बेलेनो में आएगी स्वाति के साथ, अपन यहाँ से निकलते हैं। कॉफ़ी उठाते हुए घर जाऊँगा ताकि उसके बाद गाड़ी लगा के ना फिर कहीं निकलूँगा नहीं। मज़ेदार डे यार, 10 साल की हो गई स्कूबी, मतलब कैसे आई थी ना। और फिर मतलब 10 साल इतना बड़ा टाइम होता है ना, कैसे निकला जस्ट पता ही नहीं चला यार। मतलब आते जाते सुबह उठते हर एक चीज़, मतलब आपके पास अगर पेट है ना तो आप उससे चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपको लगे क्या ही बकवास है यार। हाँ जब तक आपके पास पेट नहीं है ना तब तक ये इमोशन, तब तक ये जो मैं कह रहा हूँ ना वो शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट द डे यू हैव ए डॉग और एनी पेट एट योर प्लेस एंड तब ये चीज़ें ना आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बाकी चलो अभी सबसे पहले कॉफ़ी उठाते हैं यार, पसीने पसीने हो गए पूरे पसीने पसीने।
पहले कैसे पहुंची? ओए ओए मोटू, अभी जाके तुम कुछ खाना है ना? हाँ हाँ, गर्मी लग रही है, बैठ जाना फिर। गाइस करते इस ब्लॉग को ये पे कदम। मैं तो आके चेंज करके एडिट वेडिट करने बैठ गया था और मैंने देखा कि फाइनली ब्लॉग एंड नहीं किया। बाकी आज का दिन अच्छा रहा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब चैनल। अपने गुड विशेज और बर्थडे विशेज कमेंट सेक्शन पे स्कूबी के लिए दे देना, ठीक है? बहुत सारा प्यार।